मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तलाकशुदा महिलाओं को ऑनलाइन के जरिए फंसाकर उनसे लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी राजेश उर्फ राज उर्फ रुपेश देशमुख को कलवा पुलिस ने जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कलवा पुलिस स्टेशन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर इंस्पेक्टर मनोहर अभाट ने बताया है कि ये जालसाज आरोपी नाम बदलकर ऑनलाइन के जरिए तलाकशुदा महिलाओं का पहले भरोसा जीतता था, उसके बाद उनसे पैसों की डिमांड करता था। इसी तरह से इसने एक महिला को अपने जाल में फंसा लिया और उस महिला से करीब 13 लाख रुपए इसने ले लिए और साथ ही इस महिला के साथ शादी का वादा कर शारीरिक संबंध भी इसने बनाया। महिला की शिकायत पर आरोपी को कलवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कालहेर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और कलवा पुलिस स्टेशन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर पीआई मनोहर अवार्ड ने इस मामले में पूरी जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। कलवा पुलिस स्टेशन में 2 तारीख को एक महिला आई, उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत मेट्रोमोनी साइट पर एक आदमी की पहचान हुई थी। वो आदमी के पहचान की वजह से वो कॉन्टैक्ट करके उन्होंने बुलाया। वो 2018 से आज तक उनकी पहचान हुई थी। वो बोला कि मैं खुद घटस्फोटी था, आप मैं शादी करना चाहता हूँ। तो वो महीने से उनकी पहचान हुई के बाद उन्होंने महीना ने वो उनको लालच दिखाई कि मेरे को पैसा चाहिए, उनकी ज़रूरत है, मेरे को ऐसा कुछ काम है, घर का रिश्तेदार बीमार है। ऐसे वजह से महिला को 1,50,000 ऐसे 2 लाख मिलके 13 लाख रुपये उन्होंने लिया, शादी करने का भरोसा दिया और बोला कि खुद घटस्फोटित है। घटस्फोटित न होके उन्होंने वो महिला को बुलाया, वारंवार उनके ऊपर अत्याचार किया, बलात्कार किया और बाद में ये महिला ने बोला कि मेरा पैसा चाहिए, मेरे साथ शादी करो। उन्होंने नकार कर दिया और गायब हुआ। उसको ट्रेस ने वो एड्रेस दिया था, वो पुराना सिटी का वागबेट घोड़बंदर का, वो झूठ निकला। बाद में वो पुलिस स्टेशन में आए, उनको गुना दाखिल किया 370-420 और अटक करने के लिए भी वो भाग गए इधर उधर से। तो मैंने तांत्रिक पद्धति से वो उनका एड्रेस निकाला, कालेर में गए, कालेर में रहता था फैमिली के साथ में। लेकिन उन्होंने पुलिस को हैरान किया, वो भिवंडी गया बोला, कभी शाहपुर गया बोला, कभी थाना गया। तो मेरे पीआई क्राइम एपीआई सिरसाट उन्होंने और पीएसआई बगदा ने को टीम को अलर्ट किया। पीएसआई बगदा ने पूरा स्टाफ लेके वो गाड़ी, वो वैगनर गाड़ी चलाता था, उनके पीछे मेरा गाड़ी लग गया। उन्होंने 10 किलोमीटर घुमाया और बाद में थाना झेल के पास उसको ट्रैक किया, उधर उनको पकड़ा गया। सर, आरोपी सोशल मीडिया की मदद दे रहा था, कितने औरतों को उसने बचाया, क्या पता चला अभी? अभी आज तक मेरे ने तपा इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा है कि उनके कोनगांव पुलिस स्टेशन भी ऐसे इस तरीके से गुना दाखिल है और मेरे पास भी एक गुना दाखिल है। वो तपा चल रही है कि कोनगांव में क्या क्या उन्होंने किया। और तक अभी तक उसका भी एक मिला है कि नई मुंबई में उनके खिलाफ गुना दाखिल है। तो सोशल मीडिया कौन सा वो प्लेटफॉर्म यूज करता था? और भारत मेट्रोमोनी का साइट ओपन किया था, उस वजह से जीवन साथ टोटल गुना है। टोटल कितने गुना है इसमें? कोनगांव का गुना एक है, एक हमारा गुना है और नई मुंबई का एक गुना मालूम पड़ा है उनके खिलाफ। और भी ग्रुप में एक्टिव है क्या? तपा चालू है उसके बारे में।